इनसे मिलिए, ये हैं हमारे भाई साहब। तो क्या है ना कि भाई लोग, आज हम योगिनी स्थान आए हैं, मतलब यहाँ एक धार्मिक स्थल है और हम लोग पूजा करने के ख्याल से आए हैं। तो ये जो क्लिप है, तो मतलब पार्ट टू का क्लिप है, क्योंकि पहले वाला का जो क्लिप था तो वो किसी और फ़ोन में है, तो अभी हमने उसे एडिट नहीं किया है। तो आज हम योगिनी स्थान का जो पहाड़ है, वहाँ पे एक महाकाल मंदिर है, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। वैसे ये एक छोटी सी क्लिप है। योगिनी स्थान का मंदिर गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब गोड्डा से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बैक साइड में है। और ये जो है महाकाल मंदिर का सीढ़ी है, वहाँ पे मतलब अभी मंदिर बना नहीं है, सिर्फ एक शिवलिंग है और वहाँ पे अभी मंदिर बनने का काम स्टार्ट होगा कभी। और यहाँ पे एक रोपवे बनने वाला भी है, मतलब कि दो मंदिरों के बीच की जो दूरी है वो तकरीबन 600 या 700 मीटर की है, तो उसके बीच बनेगी। तो अभी वो बनी नहीं है, फ्यूचर में बनेगी, मतलब एक या दो साल बाद। तो हम लोग अभी जो जाते हैं तो सिर्फ सीढ़ियों से चढ़ के, और यहाँ पे सीढ़ियों की संख्या है तकरीबन 300। और अगर यहाँ पे मतलब जिसका घर पास में हो तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। मतलब आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत मतलब दृश्य है वहाँ का। यहाँ पे पहाड़ हैं और हरी भरी है, और अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे लोग जो खेती करते हैं तो उनकी खेत भी वाकई खूबसूरत लगती है। और वैसे मैंने पिछली बार भी यहाँ पे आया था, तो मैं अपने मामा के साथ आया था, तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिए, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो वहाँ पे मैंने दो मंदिर गया था, तो आप दोनों मंदिर का मतलब दोनों वो पहाड़ का वीडियो एक साथ इंक्लूडिंग देख सकते हो। और यहाँ पे ना मतलब सीढ़ी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो गैप है तो यहाँ पर सीढ़ी नहीं है, तो सिर्फ पहाड़ पर चढ़ कर ही जाना होता है। तो यहाँ पर मतलब थोड़ा सावधानी से जाना होता है, अगर पैर स्लिप किया तो आप गिर भी सकते हो। और यहाँ पे ये नीचे का दृश्य है, तो मतलब काफ़ी खूबसूरत सा है। और उधर नीचे खेती होती है, तो वहाँ पे वो जो हरा हरा दिख रहा है और पोखर भी जो आपको दिख रहे हैं, तो बस वो खेती के पर्पस से होगा, मतलब जिनका खेत है उन लोगों का ही पोखर होगा। अब हम आपको ले चलते हैं गुफा की ओर, मतलब इसमें गुफा जैसा कुछ है नहीं, बस ये जो दो पहाड़ है और उसके बीच में जो गैप है पतली सी, तो हम लोग उस गैप के अंदर से होते हुए मतलब बाहर की ओर जाते हैं। और यहाँ पे आप मतलब बाहर आने के बाद देख सकते हो, मतलब एक पहाड़ है, तो पता नहीं उस पहाड़ पे क्या होता है, शायद माइनिंग का काम होता होगा, तो वैसे उस पहाड़ पे कुछ है नहीं, तो बस जो भी है यही दो पहाड़ पे है। तो आपने एक पहाड़ को देख लिया है, और इसकी जो मतलब फर्स्ट वाली क्लिप है तो वो आप मतलब अपलोड करने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, या फिर आई बटन पर टैग कर दूँगा। और मैं वैसे ज़्यादा फ़ोटो क्लिक नहीं करवाता हूँ, लेकिन कभी कभी अगर मन हुआ तो ऐसे सब जगहों पे आता हूँ, तो मुझे ही फ़ोटो क्लिक कराने का मन होता है, तो मैं बस नॉर्मली एक दो ये फ़ोटो क्लिक करवाता हूँ। और वैसे कज़न लोग हैं मेरे, ये मेरे भाई हैं, और वो जो था एक पीयूष है, मतलब मेरा कज़न है, तो हम लोग तीन लोग ही आए थे। ये जो जगह है ना, तो मतलब ऐसी जगह है, अगर यहाँ पे लोगों की मोबाइल गिर जाए तो मतलब इतनी पतली सी गैप है कि उसके अंदर आप कुछ भी डाल के नहीं निकाल सकते हो मोबाइल, मतलब मोबाइल गिरा काम ख़त्म। और यहाँ पे आने के बाद मतलब काफ़ी बेटर महसूस होती है, यहाँ पे हवाएं अच्छी चलती हैं, और घूमने फिरने लायक तो आपने जगह देख ही लिया कितनी खूबसूरत है। तो अगर आप झारखंड में कभी आते हो तो यहाँ पे गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के पास एक योगिनी स्थान है, आप किसी को भी बोलोगे तो वो आपको यहाँ पहुँचा देगा। वैसे यहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा है और हमें पानी भी प्यास लगा है, तो अब हम लोगों को नीचे जाना चाहिए। तो भाई लोग क्या है ना, अभी हम दोनों पहाड़ पे घूम लिए, ठीक है, तो अब हम चलेंगे यहाँ से डायरेक्ट घर, और टाइम हो गया है 12 बज रहे हैं, और जो बाकी यहाँ का सीन था तो वो आपने देख चुका है। और एक चीज़ ये भी हो सकता है कि एक दिन या दो दिन एक्सटेंड करके आए, क्योंकि पूरा क्लिप है तो उसमें कहीं पर कोई वॉइस करके उसे एडिट करना होगा अच्छे से, तो इस वजह से हो सकता है एक दो दिन लेट आए। और वैसे अभी मैं घर जा रहा हूँ, तो शाम का एक नॉर्मल वीडियो ही आएगा, मतलब वो बच्चे लोगों के साथ। और अभी यहाँ पे बैठने का वो जो स्थान है, तो हम वहाँ पे मतलब यहाँ पर बैठे, और
और आप भी ऊपर में दिख रहे हैं, तो ये जो है ना कबूतरों के नाम दोस्तों, आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इन पत्तों को जानते हैं क्या बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, तो हमें कमेंट करके बताएं। तो भाई लोग क्या है ना कि अब अपन को कहीं रुकना नहीं है, मतलब डायरेक्ट घर। तो ठीक है भाई लोग, अब कल मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।